जी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शीरीन और 11 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर से कांग्रेस के नेता जहांजेब सिरवाल ने एक विवादित बयान दिया है। जहांजेब सिरवाल ने कहा कि बाइडेन की मदद से वो 370 को फिर से लागू करवाएंगे कश्मीर में। अनुच्छेद 370 पर भारत सरकार पर दबाव बनाएगा अमेरिका। जम्मू कश्मीर में सकारात्मक राजनीति होगी। जो बाइडेन के आने से इस्लामोफोबिया में भी कमी आएगी। तो ये विवादित बयान दिया है कांग्रेस के युवा नेता है जम्मू कश्मीर के, जिनका नाम है जहांजेब सिरवाल। और जहांजेब सिरवाल बाइडेन की मदद से 370 को फिर से लागू करवाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में। उनका कहना है कि अब बाइडेन चूंकि अमेरिका के राष्ट्रपति हो चुके हैं तो भारत सरकार पर वो दबाव बनाएंगे 370 को लेकर। जम्मू कश्मीर में सकारात्मक राजनीति की बात कर रहे हैं। जो बाइडेन के आने से इस्लामोफोबिया में कमी आएगी। तो ये बयान है जहांजेब सिरवाल का, जम्मू कश्मीर के कांग्रेस नेता। आप देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई कॉन्ग्रेचुलेट मिस्टर जो बाइडेन एंड कमला हैरिस फॉर देयर विक्ट्री। दिस इज नॉट विक्ट्री ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल, दिस इज विक्ट्री ऑफ एन आइडियोलॉजी, दिस इज विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। एंड एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, एज फार एज आर जे एंड के इज कंसर्न, दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हैव सम पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, पॉलिटिक्स ऑफ जे एंड के, एज वेल एज ग्लोबल पॉलिटिक्स। वन थिंग इज फॉर श्योर that the concept of Islamophobia that has been coming around from all these years will definitely come down and will definitely have positive impact on politics of Jammu and Kashmir. I believe in this thing that Joe Biden, as they have said earlier also, their statements pre-elections we have seen that they will definitely create pressure on government of India that the decision that was taken on 4th August 2019 in an undemocratic manner the decision was taken, that is revocation of Article 317 35A. I believe in this thing that decision will be taken back by the central government, and this will have an impact on Islamophobia also. तो पूरा बयान आपने सुना है। ये जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के नेता हैं जहांजेब सिरवाल, जो पहले तो बधाई देते हैं बाइडेन को और उसके बाद आपने सुना कि इस्लामोफोबिया को लेकर कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक उम्मीद बंधी है कि अनुच्छेद 370 को लेकर भारत सरकार पर बाइडेन दबाव बनाएंगे। ये अजीबोगरीब और ये बेसर पैर का बयान जहांजेब सिरवाल का कि बाइडेन की जीत को वो जम्मू कश्मीर से जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि बाइडेन अब जीत गए हैं तो वो सरकार पर प्रेशर बनाएंगे भारत सरकार पर, और 370 अनुच्छेद 370 को लेकर उम्मीद उनके मन में जगी है। तो बाइडेन के आने से 370 की वापसी की उम्मीद नजर आ रही है कांग्रेस को। कैसे, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर में हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं खुद जहांजेब सिरवाल से ही, और चलिए हमारे साथ जुड़ गए जहांजेब सिरवाल, कांग्रेस के नेता हैं। जहांजेब जी, सबसे पहले तो ठीक है, आपका बधाई देना मुझे समझ में आता है, आप मुझे जरा बताइए कि ये कनेक्शन आपने कैसे सेट किया, आपको क्यों उम्मीद बन गई बाइडेन से कि भारत सरकार पर वो दबाव बनाएंगे अनुच्छेद 370 को लेकर। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि इसमें जो बाइडेन से किसी तरह की हेल्प लेने के लिए या किसी तरह की इंटरवेंशन करने के लिए जो है मैंने नहीं कहा था। दूसरी बात जो मैंने इम्पोर्टेंट बात कही थी वो ये थी कि जो बाइडेन ने अपने इसमें इलेक्शन मैनिफेस्टो में या उस पत्र में पहले ये चीजें खुद कही थी। हमारा स्टैंड जो है, मेरी पार्टी का स्टैंड जो है, मेरा पर्सनल स्टैंड जो है, वो कहीं पर भी भारत की अखंडता के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी का हमेशा से ये मानना है कि कश्मीर भारत का अटूट अंग है, कश्मीर हमारा इंटरनल मैटर है, इसमें किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की इंटरफेरेंस जो है कभी भी नहीं। इंटरफेयर की बात तो आप कर रहे हैं जहांजेब, आप कह रहे हैं कि भारत सरकार पर दबाव बनाएंगे। नहीं, ये मैंने नहीं कहा कि भारत सरकार पर दबाव बनाएंगे, ये जो बाइडेन का अपने पत्र में लिखा हुआ आप पढ़ लीजिए। तो उम्मीद कांग्रेस की क्यों जग गई है फिर जी? उम्मीद कांग्रेस की क्यों जग गई है फिर इस बात से, अगर ये जो बाइडेन कह रहे हैं तो आप लोगों की इतनी उम्मीदें कैसे जुड़ गई हैं उनसे? नहीं, कांग्रेस की उम्मीद नहीं जागी है, और कांग्रेस को जो बाइडेन से इस तरह का कोई वो नहीं है कि वो कोई इंटरफेयर करे हमारे इंटरनल मैटर्स में। हमने पहले भी कहा कि हम भारत की अखंडता के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। नेशनलिज्म का ठेका जो है वो केवल भारतीय जनता पार्टी ने नहीं ले रखा है,
हम लोग अच्छा एक बात बताइए जहांजेब, ठीक है मेरी बात सुनिए, आप एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि ये उनका बयान है, उनके घोषणा पत्र में था और तमाम बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप लोगों को उम्मीद जग गई है कि अब भारत सरकार पर दबाव बनाएंगे जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को लेकर। अब आप अगर ये बयान कह रहे हैं तो ऐसे खाली पीली हवा में तो नहीं कह रहे होंगे, तो क्या आपकी राहुल गांधी से या प्रियंका गांधी से, सोनिया गांधी से, इन लोगों से भी बात हुई है? आपके आलाकमान में भी इसको लेकर चर्चा हो रही होगी कि अब बाइडेन से बात की जाएगी? हमारा इस तरह का कोई भी स्टैंड नहीं है कि हमने कहा कि हमारी उम्मीद जागी है, हमने इस तरह के किसी भी प्रमाण पत्र में कहीं पर भी हमने तो ये मतलब बात नहीं। क्या है फिर इसका मतलब बताइए, क्या मतलब? मैंने आपको पहले भी स्पष्ट किया कि आप लोग जब हम पर सवाल उठाते हैं कि आप लोग किसी चीज को इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं या ठीक कुछ है ना, सर मैं आपको मंच दे रही हूँ, जहांजेब जी न्यूज पर बात बताइए, आपको सुन रहे हैं सारे लोग, आपको सुन रहे हैं कि स्टैंड क्या है फिर आप लोगों का? हम कश्मीर इशू जो है वो कश्मीर इंटरनल मैटर है इंडिया का, कश्मीर भारत का अटूट अंग है, इस चीज के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। बट हाँ, हमारा स्टैंड एज फार एज इशू को लेकर है तो वी वांट जहांजेब जम्मू कश्मीर की फिक्र आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप खुद इस बात का जिक्र कर रहे हैं, आप खुद अपना पूरा बयान एक बार सुनिए जिसमें आप खुद इस बात को अलाउ कर रहे हैं कि बाइडेन भारत के मामले में हस्तक्षेप करें, मतलब तो यही हुआ आपकी बात का। कह रहा है कि जो बाइडेन कह रहे हैं, नहीं आप उसे कोट कर रहे हैं, आप उसे कोट कर रहे हैं ना, कोट कर रहा हूं मैं, कोट या तो आप कहिए आप नहीं करते, आप उनके इस बात से इत्तेफाक नहीं करते, आप ये बात कह दीजिए यहाँ पर। नहीं, हम इत्तेफाक या ना इत्तेफाक रखने वाली कोई बात ही नहीं है, मैंने आपको पहले कहा था आप क्लियर नहीं है जहांजेब, मुझे लग रहा है आप क्लियर नहीं है, आप अपने बयान को लेकर ही खुद फंसते जा रहे हैं। नहीं देखिए, मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि एज फार एज जे एंड के इशू का मसला है, हम क्लियर कट ये चाहते हैं कि हमें स्टेटहुड वापस दिया जाए। देखिए, मैं आपकी बात आप घुमाइए मत, मुझे ये बताइए, आप चाहते हैं बाइडेन भारत के अंदरूनी मामलों में, खुद आप अंदरूनी मामला कह रहे हैं, वो हस्तक्षेप करें? बिल्कुल नहीं, कोई भी भारत के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। फिर कांग्रेस की उम्मीद कैसे जग गई? कांग्रेस की उम्मीद नहीं जगी है, कांग्रेस को किसी की जरूरत नहीं है देश में नेशनलिज्म की इश्यूज के लिए या देश की बात करने की, ये कांग्रेस को किसी की जरूरत नहीं है। इसका मतलब तो आपने बधाई के साथ उसके आगे जो बयान दिया वो आपसे गलती हो गई, आपने गलत बयानी कर दी, इसका मतलब यही हुआ ना? देखिए, गलत बयान का मतलब नहीं है, मुझे कोट गलत किया जा सकता है, आपने जो कहा वही हमने सुना है आपने दर्शकों को, और उसके बाद आप फोन लाइन पर आए, आप कह दीजिए आपसे गलती हो गई, आपका ये स्टैंड नहीं था। देखिए, किसी का गलत किसी का सही हो सकता है, मैंने क्लियर कट कहा कि एज फार एज ये इशू इज कंसर्न, हमें स्टेटहुड वापस चाहिए, तो उसमें आपको बाइडेन का इंटरफेरेंस चाहिए, इसमें आप चाहते हैं बाइडेन हस्तक्षेप करें हमारे अंदरूनी मामलों में? नहीं, बाइडेन के इंटरफेरेंस नहीं, वी आर बिलीवर्स ऑफ सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, काम कीजिए आप, मुझे लगता है आप कहकर भूल गए हैं, आप लाइन पर रहिए और अपना बयान एक बार फिर से सुनिए, वो पूरा बयान एक बार फिर सुनिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कॉन्ग्रेचुलेट मिस्टर जो बिडेन एंड कमला हैरिस फॉर देयर विक्ट्री, दिस इज नॉट विक्ट्री ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल, दिस इज विक्ट्री ऑफ एन आइडियोलॉजी, दिस इज विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। And as far as India is concerned, as far as our J&K is concerned, this is definitely going to have some positive impact on politics of India, politics of J&K, as well as global politics. One thing is for sure that the concept of Islamophobia that has been coming around from all these years will definitely come down. And we'll definitely have positive impact on politics of Jammu and Kashmir. I believe in this thing that Joe Biden, as they have said earlier also, their statements pre-elections, we have seen that they'll definitely create pressure on government of India that the decision that was taken on 4th August 2019 in an undemocratic manner, the decision was taken, that is revocation of Article 317, 35A. I believe in this thing that decision will be taken back by the central government. And this will have an impact on Islamophobia also. तो
आपने सुना होगा जहांजेब, आपने फिर से एक बार, मैंने आप ही की बात आपको सुनवाई है, अब तो आपको समझ आ गया ना कि ये शब्द थे आपके, आपने प्रेशर शब्द का इस्तेमाल किया, आपने कहा कि आपको उम्मीद जगी है जो बाइडन को लेकर। मैम देखिए मैं वो पहली चीज तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जो मैंने उम्मीद जाहिर की है वो भारत सरकार से की है, वो भारत सरकार से की है, केंद्र सरकार से की है। मैंने जो बाइडन को कोट जरूर किया बट उम्मीद मेरी भारत सरकार से है। मैं भारत का नागरिक हूँ, हम भारत के सुप्रीम संविधान पर भरोसा, भारत के नागरिक हैं और उम्मीद आपको भारत सरकार से ही होनी चाहिए। फिर जो बाइडन बीच में कहां से आ गए? आपको क्यों लगता है कि जो बाइडन आ गए हैं तो अब यहां पर उसका असर राजनीति, जम्मू कश्मीर की राजनीति पर भी पड़ेगा? देखिए, जो बाइडन के आने के बाद से मोदी जी की और उनकी मित्रता की इतनी कहानियां शुरू हो गई हैं, उस पर सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं कि अगर जो बाइडन ने अपने प्रमाण पत्र में इलेक्शन से पहले ये कहा था और आज आप उनकी दोस्ती मोदी जी से करवा रहे हैं तो मोदी जी पर सवाल नहीं उठ रहा है। जब मोदी जी ने कई ऐसे स्टेप्स लिए जिस पर अमेरिका उस टाइम पे बोला तो उस टाइम पर सवाल केंद्र सरकार पर नहीं उठाए गए। अगर आज मैं जो बाइडन को कोट कर रहा हूं और उम्मीद अपनी सरकार से दुहाई लगा रहा हूं तो इसमें क्या गलत है? प्रधानमंत्री और भारत सरकार का आप जानते हैं स्टैंड, साफ कह चुके हैं कि कश्मीर एक ऐसा मसला है जो भारत का अंदरूनी मसला है और दूसरा इसमें हस्तक्षेप करें ये कष्ट करने की किसी को जरूरत नहीं है। ये भारत का पक्ष है और आपका पक्ष क्या है वो अभी आपने मैंने आपको सुनवाया। हमारा स्टैंड क्या है इसको लेकर? नहीं नहीं, स्पष्ट पक्ष है कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मसला है। कश्मीर मसले पर हम किसी भी थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन नहीं मानेंगे। बहुत अच्छा होता कि अगर आप इस बात को मान लेते। आप अभी जो बातें कह रहे हैं अपने बयान में, जो आपने बातें की वो बिल्कुल दोनों अलग है, विरोधाभास सीधे सीधे। तो कह दीजिए, आप आसानी से कह दीजिए कि गलती हो गई, ऐसा नहीं कहना चाहता था। बहरहाल आप उस बात को कबूल नहीं करेंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए।